जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूं, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूं इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में, तो आपके पास क्या है? आपके पास है 1 प्लस 10 a इंटू 1 प्लस 10 b इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 45। तो किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं 45 माइनस बी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ये लिख लें तो आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस 10 45 माइनस बी इंटू 1 प्लस 10 b। ये बस है, 10 a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करो क्या आएगा बेटे? अभी मैंने आपको बताया था 10 a माइनस b का फॉर्मूला, तो 10 a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो अप्लाई करो 10 a, a इज 45 ईयर, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, 10 b अपॉन नीचे 1 प्लस आएगा, 10a a is 45 एंड 10b is 10b, दैट्स इट। तो हमारे पास इधर है 1 प्लस 10 b। अच्छा 10 45 कितना होता है भाई? 1। गुड, ये हमारे पास आया। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 10 b प्लस 1 माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 b इंटू 1 प्लस 10 b। तो आप अगर समझ रहे होंगे, वन प्लस टेन बी से 1 प्लस 10 b कैंसिल, यस और नो? और माइनस 10 b से प्लस 10 b कैंसिल, 1 प्लस 1 इज व्हाट? टू। ठीक है जी, टू। तो हमें यही चाहिए था। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था कि 1 प्लस 10 a 1 प्लस 10 b इज इक्वल टू 2 आपको लाना था, और आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था। तो चेक करो इसे जरा। से नोट करो और नेक्स्ट वाला आप करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या हम टू जो हमारे पास पहले लिखा हुआ है, क्या हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है 2 cos a cos b का? कोई बच्चा बता सकता है कि ये कब आता है 2 cos a cos b कब आता है? ना भाई, दोनों cos कब आते हैं? सर cos a plus b plus cos a minus b। वेरी गुड, दोनों cos तब आते हैं जब cos को प्लस करते हैं, और अगर यहाँ सिंगल एंगल है तो वहां डबल एंगल होना चाहिए। तो हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं? cos को प्लस कर रहे हैं, तो इधर डबल एंगल होना चाहिए, तो by 2 नहीं आएगा, a plus b a minus। ठीक है सर, तो हमारा a हो गया π/13 और b हो गया हमारा 9π/13। अब इसमें भी आप चाहो तो कर सकते हो कि 9π/13 को a मान सकते हो और π/13 को b, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लार्जर एंगल को a सपोज कर लेंगे तो a माइनस b में माइनस नहीं आएगा, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, मतलब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 cos 9π/13 cos π/13 प्लस cos 3π/13
प्लस कॉस 5 पाई बाय 13 नाउ अप्लाई 2 कॉस ए कॉस बी तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और ये एज इट इज कॉस 3 पाई बाय 13 एंड प्लस कॉस 5 बाय 13 तो कॉस ए प्लस बी हो गया कॉस 10 पाई बाय 13 और ये हो गया 9 माइनस 1 8 पाई बाय 13 और ये हो गया कॉस 3 पाई बाय 13 और ये हो गया कॉस 5 पाई बाय 13 अब यहां थोड़ा सा लॉजिक है कि नीचे हमारे पास 13 है 10 8 3 5 है कि अब हम क्या करें कि हम ये कैंसिल करना है हमें फाइनली जीरो चाहिए तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है कि भाई 10 प्लस 3 13 होता है हाँ भाई और 8 प्लस 5 भी 13 होता है ठीक है सर तो क्या मैं 10 पाई बाय 13 को ध्यान से देख लीजिए क्या मैं 10 पाई बाय 13 को पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख सकता हूं क्या यस सर यस सर अब बच्चे बताओ ठीक है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए दोबारा से सुन लीजिए ये अभी तो हमारा स्लो चल रहा है स्टेप ज्यादा लग रहे हैं हम 10 को क्या कर रहे हैं हम 10 को 13 माइनस 3 पाई लिख रहे हैं इसी तरह से हम 8 को भी लिख रहे हैं 13 माइनस 5 और बाकी दोनों को चेंज नहीं कर रहे हैं बाकी दोनों को हम ऐसे ही रख रहे हैं सर सही है आप जैसा 13 से 13 कैंसिल करोगे तो ये स्टेप लिखने के लिए नहीं था सिर्फ समझाने के लिए था आप लिखना चाहोगे तो आप डायरेक्ट लिखना cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13 और ये हो जाएगा cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13 जी जी वैसे हैं आपके पास थोड़े बहुत जी कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे जब मेरे पास कल आ जाएंगे मेरे पास तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 अब मुझे बताओ 180 माइनस थीटा क्या होता है पाई का मतलब है 180 तो 180 माइनस थीटा कॉस में क्या होता है क्या ये चेंज होगा 180 में कॉस चेंज होगा या नहीं होगा नो सर नहीं होगा यही पूछना है बस अपने आप से वरना फॉर्मूले तो बहुत सारे बन जाते हैं अच्छा 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड 180 माइनस हो रहा है थर्ड कैसे हो जाएगा सेकंड 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 में कॉस क्या होता है पॉजिटिव अरे शर्म कर लो सब नेगेटिव होता है सब भूल गए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सब भूल गए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव होते हैं इन सबसे अच्छी तुम्हारी बच्ची लिपाशी है थैंक यू सर हाँ अच्छी बात है हमारे स्कूल का बच्चा इतना अच्छा करता है ये सारे सड़े हुए स्कूल के बच्चे हैं सर मैम ने भी नेगेटिव बोला था अच्छा ठीक है ये बच्ची भी हमारी अच्छी है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है ठीक है बेटे तो आपके पास क्या आएगा आपके पास आएगा माइनस cos 3 पाई बाय 13 एंड ये भी माइनस cos 5 पाई बाय 13 और ये हमारे पास प्लस में है बेटे cos 3 पाई बाय 13 और ये भी हमारे पास प्लस में है cos 5 पाई बाय 13 तो ये प्लस से ये माइनस और ये प्लस से ये माइनस और फाइनली आंसर जीरो आप सब लोग बच्चों कहते हो कि सर मैथ से हम क्या सीखते हैं कहाँ काम आएगा तो मेन पार्ट तो ये है कि हमारे पास है क्या और हमें चाहिए क्या तो उसको हम कैसे बनाएं ठीक है सर हमारे पास इंजन है हमारे पास
पंखड़ियां हैं और हमें हवाई जहाज बनाना है, सोचो कैसे बने। तो ये तरीका होता है, और हवाई जहाज में यही लगा हुआ है, पहिए लगे हुए, इंजन लगा हुआ है, पंखड़ियां लगी हुई, बट उसको किस फॉर्म में लगाएं, किस तरह से यूटिलाइज करें, कहां क्या लगाएं, और वो हवाई जहाज बन गया, ऊपर उड़ रहा है। तो ये चीज हमें यहीं से मिलती है कि हम खुद 8-10 फॉर्मूले और उससे हम 8,000-8,00,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। तो ये चीज मैथ ही देता है आपको प्रैक्टिस के लिए, मैथ कह लीजिए, साइंस कह लीजिए, टेक्नोलॉजी।